हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बता दूँ, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट वेदा टी वाटर हेयर शैम्पू का रिव्यू। तो ये शैम्पू का आप लोगों ने अगर शॉर्ट वीडियो देखते होंगे मेरा, तो उसमें मैंने जब मंगाया था तभी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अभी मुझे 2 मंथ अप्रॉक्स हो चुके हैं इसे यूज़ करते हुए, तो मैंने सोचा चलो इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करें। जब प्रोडक्ट को ज़्यादा दिन तक हम यूज़ करते हैं तभी उसका पूरा जान पाते हैं, उसका क्या बेनिफिट है और अच्छा है या ख़राब है, कैसा है हमारे हेयर के लिए या फेस के लिए, कोई भी चीज़ होती, कोई भी प्रोडक्ट। तो मैंने इसे यूज़ किया, 2 मंथ हो चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले बता दूं, पैराबेन सल्फेट फ्री है और मतलब ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है हमारे हेयर के लिए। विटामिन ई एंड ऑर्गन ऑयल भी है इसमें। और सबसे पहले प्राइस की बात कर ले तो 749 इसका प्राइस है, कुछ डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा। और मैंने अपने शॉर्ट वीडियो पे लिंक दिया हुआ है, हो सका तो मैं इस वीडियो पे भी नीचे दे ही दूँगी। अगर आप लोग परचेस करना चाहो तो परचेस कर सकते हो। तो ये टी वाटर शैम्पू है, जो कि टी वाटर हमारे हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं उसके। और ये शैम्पू मतलब ऑलमोस्ट मुझे अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज़ है इसकी कम क्वांटिटी यूज़ होती है, मतलब मैंने इतने सारे शैम्पू यूज़ किए हैं तो उन सबको मुझे भर भर के 2-3 बार लगाना पड़ता था हेयर पे, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। मैं एक बार ही लेती हूँ, थोड़ा सा 1 टाइम भी अप्लाई करती हूँ तो अच्छा खासा मेरा हेयर क्लीन हो जाता है इससे, और पूरे हेयर में अच्छे से ये लग भी जाता है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है। मतलब अच्छा लगा मुझे ये शैम्पू। बस इस शैम्पू का एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आया, जो कि ये मतलब हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा ड्राई कर देता है, सिल्की मतलब स्मूथ शाइनी वैसा नहीं करता, काफ़ी ड्राई ड्राई हेयर हो जाते हैं, मुझे ये चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगी। तो इसके लिए मैं इसी का हेयर मास्क भी यूज़ करती हूँ, आप लोग भी चाहे तो हेयर मास्क अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका हेयर मास्क ये भी है, किसी दिन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी उसे भी। तो मैं उसे यूज़ करती हूँ तो हेयर काफ़ी ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद आपको सीरम वगैरह कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मेरा यही है, मैं इसको भी साथ में यूज़ करती हूँ। तो चलिए इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी वगैरह भी बता देती हूँ। 749 प्राइस है, कुछ डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा। 280 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, 300 के अप्रॉक्स, तो ठीक ठाक है। और इसकी वेबसाइट भी यहाँ पर मेंशन है, आप लोगों को शो कर दे रही हूँ, तो आप चाहो तो इससे भी परचेस कर सकते हो, क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट जो होते हैं हमें वहीं से मिलते हैं, क्योंकि कभी कभी लोकल भी आ जाते हैं। तो सब कुछ देखा जाए तो बाकी अच्छा ही है ये प्रोडक्ट, लेकिन बस यही है थोड़ा सा ड्राई कर देता है हेयर को। इसके लिए आपको सीरम आप बाद में यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका ही हेयर मास्क अप्लाई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्रोडक्ट भी कुछ इस प्रोडक्ट का रिव्यू मैंने यूज़ किया तो मुझे ठीक लगा, ये बस वही है ड्राई वाला, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।